ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के फॉर्मेशन डे के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने रियासत के आवाम को मुबारकबाद पेश की है। इन तीनों अहम शख्सियात ने रियासत की अहम सरकारी जबान तेलुगु के साथ साथ अंग्रेज़ी जबान में सिलसिलावार मुबारकबादी के ट्वीट्स किए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तेलुगु और अंग्रेज़ी जबान में किए गए ट्वीट्स में फॉर्मेशन डे के मौके पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि पूरे मुल्क को तेलुगु सकाफत और अदब के अजीम तारीख वरसे पर फ़ख्र है। लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना की फॉर्मेशन डे तकरीब नहायती सादगी के साथ मनाई गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली के रूबरू वाक़े तेलंगाना यादगार शहीदा गन पार्क पर फूल निछावर किए और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान जानों को निछावर करने वालों को याद किया। बाद हज़ार वज़ीर आला के सी आर ने प्रगति भवन में कौमी परचम भी लहराया। वाजह हो कि जारी साल तेलंगाना की छठवीं योम तासीस मनाई जा रही है। मुल्क की 29वीं रियासत के तौर पर तेलंगाना रियासत की तश्कील आज ही के दिन 6 साल पहले अमल में लाई गई थी। इस तेलंगाना खित्ते को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए कई दहाइयों की जद्दोजहद और तहरीक के नतीजे में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के बिल को पार्लियामेंट में मंजूर करवाया। इसी तरह इस इलाके का रियासत तेलंगाना का तवील अरसे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। तेलंगाना के फॉर्मेशन डे के दिन ही तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरा राजन की सालगिरह भी है। गवर्नर की सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला ने उनको मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने आज राजभवन पहुंचकर गवर्नर को गुलदस्ता पेश करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सेहतमंद और तवील जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर असेंबली के अहाते में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। स्पीकर के साथ साथ कानून साज काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने साथ ही असेंबली के अहाते में वाक़ गांधी जी अम्बेडकर के मुजस्मों पर भी फूल निछावर किए। सुखेंदर रेड्डी ने भी कौमी परचम लहराया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि कई दहाइयों की जद्दोजहद के नतीजे में ही तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ है। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए जद्दोजहद की ज़रूरत को भी उजागर किया। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज्म व नस्क के टी रामा राव ने तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर ज़िला राजन्ना सिरसिला के कलेक्ट्रेट ऑफिस में कौमी परचम लहराया और सलामी थी। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर के अलावा दिगर आला अहदेदार मौजूद थे। बाद हज़ार के टी आर ने यादगार शहदा तेलंगाना पहुँच कर शहीदों को खिराज पेश किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन ने तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर कॉरपोरेशन के दफ्तर में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और दिगर ने इस तकरीब में शिरकत की। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर अरविंद कुमार ने भी दफ्तर में कौमी परचम लहराया। आज 2 जून तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर नामपल्ली वाक़े हज हाउस में भी फ्लैग होस्टिंग की गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इस मौके पर हज हाउस के अहाते में तिरंगा लहराते हुए तेलंगाना की यौम तासीस मनाई। इस मौके पर कई सरकारी अहलकार और एम्प्लॉयज़ मौजूद थे। फ्लैग होस्टिंग के बाद कौमी तराना जना गना मना भी गाया गया। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर यादगार शहीदा गन पार्क पहुंचकर शोहदाए तेलंगाना को खिराज पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए जर्नलिस्ट की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया। वहीं रियासत के जर्नलिस्टों को दरपेश मसाइल की यकसोई और कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए
लॉकडाउन के दौरान जर्नलिस्टों को सेफ्टी किट फराहम करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर के श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी विराहत अली खान, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हबीब अली अल जिलानी, हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर रियाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी शेखर गौड़, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी गौस मोहिउद्दीन के अलावा दीगर जर्नलिस्ट मौजूद थे। मामूली जज्बे का इजहार किया था, कुर्बानियां दी थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि केटीआर हुकूमत इन कुर्बानियों को फरामोश कर चुकी है। कोरोना वायरस की जो वबा फैली उससे साहबियों को जो मुश्किल पेश आई है, गरीब साहबियों को खास तौर पर बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजदूरों को, लेबर्स को नजरअंदाज कर दिया, उसी तरह ऐसा लगता है कि केटीआर हुकूमत ने यहाँ के साहबियों को नजरअंदाज कर दिया, अवॉइड कर दिया, और साहब भी बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। हमारा मुतालबा है आईटीयू के जो हमें मुलाकात तंजीम है TUWG और HCJ, ये मुतालबा करती है कि आज यूमे तासीस है, फाउंडेशन डे है, और चीफ मिनिस्टर से ये मुतालबा है कि जो साहब भी परेशान हाल है उनकी फिर वक्त मदद की जाए, कम से कम उन्हें 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाए, और दूसरे यानी PPE से लेकर, क्योंकि साहब भी बहुत ज्यादा काम करते हैं कोरोना वायरस के वबा के दौरान, उन्हें PPE दी जाए। तेलंगाना रियासत में पहली मरतबा सेब की पैदावार करने वाले कोमरम भीम आसिफाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले किसान के बालाजी ने सेब और सेब का बीज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उनकी सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन पहुँच कर बतौर तोहफा दिया। बालाजी ने तेलंगाना के फॉर्मेशन डे के मौके पर यह अनोखा तोहफा प्रगति भवन में वज़ीर आला को पेश किया और उनको मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के काफिले की कारों की तरफ एक शख्स ने बढ़ने की कोशिश की। इस शख्स की इस हरकत पर सिक्योरिटी अहदेदार चौकस हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर इस पर काबू पा लिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वज़ीर आला यौम तासीस तेलंगाना के सिलसिले में तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज पेश करने के लिए गन पार्क जा रहे थे। मुशीराबाद गवर्नमेंट स्कूल के अहाते में वाक़ रेम्बो होम फॉर गर्ल्स हॉस्टल में तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर हिदायत वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हॉस्टल की लड़कियों में फ्रूट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुशीराबाद MLA एम गोपाल, हिदायत वेलफेयर फाउंडेशन के सदर मोहम्मद शाहिद के अलावा मोहम्मद मोइन, प्रभाकर और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की वेबसाइट urduacademy.com का आज एकेडमी के चेयरमैन रहीमुद्दीन अंसारी के हाथों इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में वेबसाइट की अहमियत और अफादियत पर तफसीली रोशनी डालते हुए रहीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक दौर में आवाम तक पहुँचने का बेहतरीन जरिया वेबसाइट है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट का फ़ायदा ये भी है कि एकेडमी की स्कीमात के ताल्लुक से दरकार फॉर्म्स और दीगर तफसीलात घर बैठे बहुत आसानी से हासिल की जा सकती हैं। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी का वेबसाइट आज बतारीख 2 जून 2020 तेलंगाना का फॉर्मेशन डे योम तासीस के दिन इसका वेबसाइट का मेरे हाथों इफ्तिताह अमल में आया। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी का वेबसाइट, जिस पर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के तमाम स्कीमात, उसके तमाम प्रोग्राम्स, मुशायरे, सेमिनार्स और उसकी पूरी कारकर्दगी और बशमूल उसके जो इनामात दिए गए हैं, यानी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लोगों के नाम और मखदूम अवार्ड, अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, ये तमाम तफसीलात कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद के कार्तिकिया की हिदायत पर ACP जयपाल रेड्डी ने आज अहाते पुलिस स्टेशन बोधन में नौजवानों ने हल्के असम्बली बोधन के दरमियान क्रिकेट और वॉलीबॉल किट्स तकसीम किए। इस मौके पर ACP ने नौजवानों को अपने सेहत पर खास तवज्जो देने और बुरी आदतों से दूरी अख्तियार करने का मशवरा दिया। वहीं उन्होंने नौजवानों को नशीली आदतें, तंबाकू, सिगरेट और शराब नोशी से परहेज करने की बुलंद आवाज में कसम भी दिलाई। सिंगरणी कॉलरीज कोयला की कंपनी के 4 कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की ओपन कास्ट माइन नंबर 1 में होने वाले धमाके में मौत हो गई। ये वाकया जिला पेदापली के रामगिरी मंडल के
रामागुंडम रीजन 3 में मंगल को पेश आया। अगरचे कि इस धमाके की असल वजह मालूम ना हो सकी, ताहम धमाके के लिए धमाकू अशिया के इस्तेमाल की इत्तला मिली है। मुलाजमीन की जानिब से डेटोनेटर्स के इस्तेमाल की भी बात कही गई है। इस धमाके में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए सिंगारिनी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूक मजदूरों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महालक्ष्मी ओबिन कंपनी लो पनचेस्तुन्नटुवंटि कांट्राक्ट कार्मिकुलु గ్యాస్ మిస్ ఫైర్ అయిపోయి నలుగురు కార్మికులు మాంసం ముద్దలుగా మారి చనిపోయినటువంటి ఘటన యావత్ కార్మిక వర్గాన్ని కలిచివేస్తున్నటువంటి విధంగా ఉంది. ఏదైతే రక్షణ పరికరాలు లేకుండా కనీస సౌకర్యాలు కల్పించకుండా బానిసలుగా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను కాంట్రాక్టర్లు పనిచేయిస్తూ ఈరోజు లాభాలనే గడించాలనేటువంటి ఉద్దేశంగా పనిచేస్తున్నారు. తప్పితే వాళ్లకు ప్రాణరక్షణ కల్పించాలనేటువంటి పద్ధతులలో మాత్రం ఈ ఓబి కంపెనీ యజమానులు మాత్రం పనిచేసినటువంటి పరిస్థితులలో లేదు. వాళ్ల నిర్లక్ష్యం మూలంగానే ఈరోజు నలుగురు కార్మికులు చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వెంటనే చనిపోయినటువంటి నలుగురు కార్మికులకు ఒక్కో కుటుంబానికి 1 కోటి రూపాయల నష్టపరిహారాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే చికిత్స పొందుతున్నటువంటి మరో 3-4 కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్లకు మెరుగైనటువంటి చికిత్సను అందించి అదేవిధంగా వాళ్లకు కూడా తగినటువంటి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని, మరణించినటువంటి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఒక్కొక్కరికి పర్మనెంట్ సింగరేణిలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి సింగరేణి కాంట్రాక్ట్ కార్మిక సంఘం సిఐటిగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే ఓబి కాంట్రాక్టర్లు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద చట్టపరమైనటువంటి వాళ్లకు శిక్షలు వేయడం కోసం వాళ్ళ మీద హత్యా నేరం మోపి వాళ్ళను జైల్లో పంపించాలని చెప్పేసి, దాంతో పాటుగా వాళ్లకు ఉన్నటువంటి లైసెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైసెన్స్ వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దీనికి పూర్తి బాధ్యత సింగరేణి యాజమాన్యం వహించాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. खैरताबाद चिंतलबस्ती इलाके में वाक़ विजय मेरी अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक 27 मई को आरती नामी खातून को डिलीवरी के लिए विजय मेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जुमेरात के रोज़ सीजरियन के जरिए आरती ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसे इनक्यूबेटर बॉक्स में रखना पड़ा। बाद अज़ां नौमौलूद को इसकी माँ के साथ वार्ड में शिफ्ट किया गया। अचानक कल यानी पीर को आरती ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिस पर इसके रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स को ये बात बताई, लेकिन डॉक्टर्स ने कोई मुस्बत रद्दमा जाहिर नहीं किया। वहीं आज आरती की हालत ज़्यादा बिगड़ने के बाद डॉक्टर्स ने इसे आईसीयू में शिफ्ट किया, ताहम वो जान भर ना हो सकी। आरती के रिश्तेदारों ने इसकी मौत के लिए विजय मेरी के डॉक्टर्स और स्टाफ को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस में शिकायत की और इंसाफ का मुतालबा किया है। तो उसी दिन से ये लोग लापरवाही कर रहे, 27-28 के दिन ऑपरेशन करेंगे बोले तो मॉर्निंग बोलना तो ना कि इसको खाना देना या लंच देना नहीं देना, कुछ भी नहीं बोले। तो दोपहर में खाना ये लोग अब तो एज इट इज उनको भूख लग रही है, उन्होंने खा लिए तो कहे कि कहीं कूद दिए। बोलते मैं पूछा भी क्यों आप बोलना ना, बोलते नहीं हम नहीं बोलते, तुम पूछना था। तो फिर वैसा भी सीरियस में उसको ऑपरेशन कर दिया, हमारे सेना लिए सब ठीक है, सब नॉर्मल हो गया। मैं 31 कल के दिन फर्स्ट के दिन मैं बोला कि मैं पूरे बिल्स पे कर दिया, अभी तक 40,000 के ऊपर पे कर दिया, लेकिन मैं लेके जाता बोले तो नहीं नहीं अभी से डिस्चार्ज नहीं करते, वो ग्लोबल का रिपोर्ट आना है। वो रिपोर्ट भी मैं कल दोपहर में बैठ के रिपोर्ट लेकर आया, लेकर आने के बाद डॉक्टर को बताया कि इसका रिपोर्ट भी आ गया, मैं अभी लेके जाता। एकदम एक्टिव बच्ची थी वो, लेके जाता बोलते नहीं नहीं इपड़े इमो तरवा इस्तेमु रेप एल्लुंडी इस्तेमु इनका इंजेक्शन याले आदि याले बोल के उन्होंने वहीं रखे, पूरे बिल तो पे कर लिए। कल एक ही जना रहना बोलते उसकी मदर, मेरे सिस्टर परसों के दिन उसको पेन आ रहा बोले तो दोपहर में बोले कि पेन आ रहा बोले तो कोई डॉक्टर नहीं देखा, कोई नर्स आके नहीं देखा। फिर कहे कि कल अभी सुबह मॉर्निंग कहे कि फोन उनके मदर भी जाके बोले कि उनको पेन आ रहा बोल रहे, फिर उन्होंने उठे नहीं, जरा देखो आके बच्ची को दूध पिलाए उसके बाद पेन बहुत हो रहा बोले, तो भी एक डॉक्टर एक सिस्टर भी आके चेक नहीं करे कल से आज तक। इमिडिएटली फिर अम्मा को फ़ोन, हम घर पे ही थे, अम्मा को फ़ोन करके बोल दे रहे कि आईसीयू में लेके चले गए, अब कुछ भी नहीं है, उन्होंने डेड हो गया ऐसा बोलते। नहीं मार दिए भाऊ को, मेरे को भाऊ को नहीं मार दिए, कल उसको बोली भी देखे तो नहीं होता था। हाँ कल उसको बोली भी मैं, उसके छाते में दर्द दे रहा बोलते भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। कौन डॉक्टर ने देख लिया? डॉक्टर नहीं देख रहे ना, सिस्टर नहीं देख रहा, कुछ बोल रहे नहीं, उठ के टहला बोला तो दर्द चले जाता। उम्र 22 थी, शशि बोल के आए उसके छोटी बच्ची को मार दिए उन्होंने। फर्स्ट डिलीवरी है भैया, एक साल हो गया। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। असदुद्दीन ओवैसी की हौसला अफजाई पर 38 तबलीगी जमात के अरकान करेंगे प्लाज्मा डोनेट। हैदराबाद में मुनक्कदा प्रोग्रामों में नामों का रजिस्ट्रेशन, असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत।
मोदी हुकूमत ने मुल्क में बिना मंसूबाबंदी के लगाया लॉकडाउन। असदुद्दीन ओवैसी का इल्जाम, कहा तबाह हो चुकी इकोनॉमी का अंदाजा आने वाले दिनों में चलेगा पता। आज तेलंगाना की यौम तासीस पर सदर, नायब सदर और वजीर आजम ने तेलुगु जबान में ट्वीट करते हुए दी मुबारकबाद। तेलंगाना की यौमे तासीस पर रियासत भर में मुनाकदा की गई तकारीब, टीआरएस कायदीन ने जोश व खरोश लेकिन सादगी से मनाया फॉर्मेशन डे। तेलंगाना में पहली मरतबा सेब की पैदावार, सेब की पैदावार करने वाले किसान ने सीएम केसीआर को बतौर तोहफा भेजे सेब और बीज। तेलंगाना के जिला पेद्दापल्ली के कोल माइन में धमाका, धमाके में सिंगारेनी कॉलरीज के 4 कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हुए हलाक, कई हुए जख्मी। बीबीएन के न्यूज बुलेटिन में ये थी दिनभर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। स्टे होम, स्टे सेफ, देखते रहिए बीबीएन चैनल।